तो इस माया ट्यूटोरियल में आज हम माया के रेंडर सेटिंग्स के बारे में जान लेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले माया की रेंडर सेटिंग ओपन करता हूँ और मेक श्योर कि आप यहाँ पर रेंडर यूजिंग में माया सॉफ्टवेयर सिलेक्टेड रखे हो। और जो दूसरा तरीका है वो है रेंडर मेनू में से यहाँ पे रेंडर यूजिंग में माया सॉफ्टवेयर, तो आप इस तरह से रेंडरर स्विच कर सकते हो। तो जैसे ही हम माया सॉफ्टवेयर पर स्विच होंगे आपको यहाँ पर एक नया टैब मिलेगा जिसे है माया सॉफ्टवेयर। तो इसमें हम कुछ सेटिंग्स देखेंगे जो कि माया सॉफ्टवेयर के रेंडरर के बारे में है, तो इसे मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले है एंटी एलियासिंग क्वालिटी, जो कि आपके जो एजिस है उसे स्मूथ करेगा और दूसरे भी चीज़ें उन्हें अच्छे से ये और इनकी क्वालिटी बढ़ाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी अभी कस्टम पे, यानी आप जो चाहो यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो आपके हिसाब से। जैसे कि मैं लो क्वालिटी पे हूँ, मैं हाई क्वालिटी ले सकता हूँ। आप देख सकते हो कुछ ऑप्शंस ऑन हो रहे हैं, इसमें हाईएस्ट क्वालिटी पे स्विच हो सकता हो, कुछ और ऑप्शन इसमें एक्टिवेट हो गए, या फिर आप यहाँ पे क्वालिटी में जाके प्रीव्यू क्वालिटी पे सेट कर सकते हो या फिर प्रोडक्शन क्वालिटी पे। तो अगर आपको टेस्ट रेंडर्स निकालने हैं जिसमें आपको फास्ट रेंडर चाहिए और बस आपको इफेक्ट देखने की किस तरह से दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप प्रीव्यू क्वालिटी ले सकते हो जिसमें बाय डिफॉल्ट लो क्वालिटी सेट है। एंड अगर आपको फाइनल रेंडर करना है, यानी एकदम अच्छे से फाइनल इमेज चाहिए आपको, तो आप स्विच हो सकते हो प्रोडक्शन क्वालिटी पे, जिसमें आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस ऑन हो चुके हैं और यहाँ पे एंटी एलियासिंग में हाईएस्ट क्वालिटी भी ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करने का ट्राई करूँ तो ये ऑटोमेटिक कस्टम पे स्विच हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं शेडिंग को 2 से 3 पे स्विच कर रहा हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ और चेंज हो गया, जो कि 3D मोशन ब्लर प्रोडक्शन पे जो शेडिंग है वो 3 पे रहती है। अगर मैं यहाँ पर प्रीव्यू क्वालिटी लूँ और यहाँ पर कुछ चेंज करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कस्टम पे स्विच हो चुका है। तो उसके बाद है मल्टीपिक्सल फिल्टरिंग, ये भी एंटी एलियासिंग के रिलेटेड ही सेटिंग्स है। और आखिर में है कॉन्ट्रास्ट थ्रेशोल्ड, जिसमें आप RGB वगैरह चेंजेस कर सकते हो आपके प्रोडक्शन क्वालिटी में, तो इसे मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है फील्ड ऑप्शंस, जो ज़्यादातर लोग तो यूज़ नहीं करते रेंडरिंग में, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो बोथ फील्ड्स सेपरेट या फिर इवन फील्ड्स, तो इसे मैं करता हूँ मिनिमाइज। एंड नेक्स्ट ऑप्शन, इम्पोर्टेंट ऑप्शन है रे ट्रेसिंग क्वालिटी। तो रे ट्रेसिंग, अगर आपने आपके ऑब्जेक्ट पे कोई रिफ्लेक्टिव मटेरियल अप्लाई किया है और किसी वजह से वो रेंडरिंग में नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप रे ट्रेसिंग क्वालिटी में रे ट्रेसिंग ऑन करना होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है और इसमें आपको अभी ऑप्शन मिलेंगे रिफ्रैक्शंस यानी ट्रांसपेरेंसी, शेडोज एंड बायस। तो अगर आपके इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस नहीं आ रहे तो आप यहाँ पर रे ट्रेसिंग को ऑन कर सकते हो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है माया सॉफ्टवेयर के रेंडरर में, तो इसे मैं करता हूँ मिनिमाइज। एंड नेक्स्ट सेटिंग है मोशन ब्लर। तो मोशन ब्लर को हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे क्योंकि ये एनिमेशन के रिलेटेड टॉपिक है। एंड कुछ और भी ऑप्शन है जैसे कि रेंडर ऑप्शंस या फिर IPR ऑप्शंस, मेमोरी एक्सेट्रा। तो जैसे कि रेंडर ऑप्शन में आप देख सकते हो इन्वायरमेंट फॉग वगैरह, आप यहाँ पर चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, इसकी सेटिंग आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह बहुत सारी सेटिंग और भी है जो अभी हमने देखी, वो बेसिक सेटिंग है। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है एंटी एलियासिंग में प्रोडक्शन क्वालिटी एंड प्रीव्यू क्वालिटी आपके वर्क के हिसाब से, एंड नेक्स्ट है रे ट्रेसिंग क्वालिटी। तो इन्हें आप चेंज कर सकते हो। एंड आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम माया में आर्नोल्ड रेंडरर के बारे में जान लेंगे।